नमस्कार, मैं हूं गजाला प्रवीण और आप देख रहे हैं कांचा न्यूज। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोड्डा लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव ने बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा गोड्डा लोकसभा का कल्याण करे बाबा। साइबर पुलिस के हत्थे चढ़ा दो साइबर अपराधी, दर्जनों मोबाइल के साथ कई बैंकों के पासबुक जब्त। देवघर में भू माफियाओं के आगे बेबस है लोग, गौचर जमीन की घेराबंदी पर बुजुर्ग पहुंचा SDM कार्यालय। और डॉक्टर रीता ठाकुर ने लगाया रक्तदान शिविर, 8 यूनिट किया गया रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। देवघर बाबा मंदिर में नेताओं का आशीर्वाद लेने का सिलसिला जारी है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी प्रदीप यादव भी आज बाबा मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रदीप यादव ने न सिर्फ सभी मंदिरों के दर्शन किए बल्कि सरदार पंडा से भी मिले और उनसे भी आशीर्वाद लिया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जीत के बाद सबसे पहले पुरोहित और बाबा मंदिर का संपूर्ण विकास किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देवघर में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, उससे सबसे पहले दूर किया जाएगा। कि बाबा तो विश्व कल्याण के लिए, और मैं बाबा से यही प्रणाम अर्पित करते हुए मांगा हूँ, आप तो विश्व कल्याण के लिए है, देवघर का भी इस बार कल्याण कीजिए। जो देवघर विगत 10 वर्षों से आश्वासनों की झूला में झूल रहा है, पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, छोटी छोटी बात जो आम लोगों की जरूरत है, गरीब बुरुआ पंडा समाज की जरूरत है, शहर की जरूरत है, इस क्षेत्र की जरूरत है, वो पूरा करने में बाबा हमें शक्ति दे, हमें अधिकार दे, और उसी अधिकार को मांगने बाबा से आया हूँ ताकि इस क्षेत्र का कल्याण हो सके, इस क्षेत्र के एक एक जड़ता की समस्याओं का निदान कर सके। क्योंकि 10 वर्षों से यह क्षेत्र लगभग कैद हो चुका था, चंद लोगों की सेवा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधि मग्न था। मैं बाबा से यही आशीर्वाद मांगा हूँ कि बाबा हमें इस बार आप अधिकार दीजिए, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए, और हमें यह भी सुबुद्धि दीजिए कि जनता से जुड़े रहें, उनके कल्याण में जुड़े रहें, उनके बीच उपस्थित होने का प्रयास करें, केवल हवा हवाई बातों में हम विश्वास न करें। देवघर पुलिस को एक बार फिर साइबर अपराधी को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा जसीडी में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान दो साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक अगम वर्णवाल जो JCB कजरिया कोठी का रहने वाला है और दूसरा शिव उर्फ अमित कुमार जो चांदन थाना का रहने वाला है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 7 पासबुक, 10 चेकबुक, 21 मोबाइल फोन, स्वाइप मशीन, सिम कार्ड और 14 ATM कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन लोगों के द्वारा पहले ATM का क्लोन कार्ड बनाया जाता था, फिर इसे स्वाइप मशीन के जरिए दूसरे अकाउंट में भेज दिया जाता था। इस तरह इन लोगों ने कई लोगों को साइबर अपराध के जरिए ठगी का शिकार बनाया है। एक अच्छी सफलता मिली हम लोगों को, दो साइबर फ्रॉडस्टर जो कि UPI के माध्यम से भोले वाले लोगों का साइबर फ्रॉड करते थे, उसको पकड़ा गया, अगम बनवाल और शिव शक्ति का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, भागलपुर जेल के मैं भी वो जेल जा चुका है। इसके अलावा एक चांदन बिहार का रहने वाला है, दूसरा जसीडी का रहने वाला है, और इसमें हम लोगों को 21 मोबाइल बरामद हुए हैं और पासबुक, भारी मात्रा में पासबुक, स्वाइपिंग मशीन और ATM कार्ड्स और SIM कार्ड्स बरामद हुए हैं। और इसमें काफ़ी और इंट्रोगेशन में हम लोगों ने काफ़ी इनके अपने ग्रुप के लड़कों के नाम बताए हैं, और इसमें एक SIP टीम का हम लोगों ने गठन किया था SDPO देवघर और DSP साइबर के नेतृत्व में, और एक अच्छी सफलता। डॉक्टर रीता ठाकुर के निजी क्लिनिक में मेगा रक्तदान शिविर के बैनर तले रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में रक्तदाताओं के द्वारा 8 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इसी क्रम में डॉक्टर रीता ठाकुर ने भी ब्लड डोनेट किया। हम आपको बता दें कि सदर अस्पताल में रक्त की कमी चल रही है, जिस कारण शिविर लगाकर ब्लड डोनेट करवाया जा रहा है। इसी बाबत इस तरह के शिविरों के माध्यम से ही जरूरतमंदों की सहायता की जा रही है। कि आपके आपके बॉडी में जो है 5000 ml ब्लड है, उसमें 300 ml ब्लड आप किसी की जान बचाने के लिए तो दे ही सकते हैं, कल आपको भी जरूरत पड़ सकती है, आपके बदले भी कोई दे सकता है। जब आप एक दूसरे की मदद करेंगे तो डोनेशन अपने आप
इंक्रीज कर जाए। लगता है कि लोगों को बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। अगर आपको नॉन स्टिक की कुकर लेना है तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। लुमिनस इन्वर्टर चाहिए या फिर बैटरी तो हमारे रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। जूसर ग्राइंडर चाहिए या फिर घरों को सजाने के लिए सिस्का लाइट्स तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। कई उत्पादों का समागम रामा इलेक्ट्रिकल्स, महिला थाना के सामने, देवघर, झारखंड। कॉन्टैक्ट नंबर 7903718368 7903718368। एसकेपी विद्या विहार वैद्यनाथ धाम की बौद्धिक धरा पर शिक्षा की एक बुलंद अभिव्यक्ति, ज्ञान का कुटीर, एक प्रांगण जो है खेलकूद, सांस्कृतिक संरचनात्मक गतिविधियों का संसार। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि विद्यालय को कैसे उत्तरोत्तर विकास किया जाए, इसके लिए अच्छे अच्छे टीम और फैकल्टी हम लोग मंगा रहे हैं। प्लस टू की भी पढ़ाई हम उतने अच्छे ढंग से कराना चाहते हैं जितने अच्छे की अभी तक में टेंथ का हमारा रिजल्ट किया। शिक्षाविद स्वर्गीय बाबू व्रिगोदर सिंह जी के द्वारा स्थापित व एसकेपी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित एसकेपी विद्या विहार बम्पास टाउन देवघर। सीबीएसई दिल्ली से मान्यता प्राप्त 10+2 विद्यालय। आज हमारे विद्यालय से पास आउट बच्चे 3-4 बच्चे आईआईटी में हैं, 3 डॉक्टर हो चुके हैं, बहुत बच्चे सीए चार्टर अकाउंटेंसी करके बहुत। आई जस्ट वांट टू बी एन इंपैक्टफुल बिजनेस टाइकून। आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आई जस्ट वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर। आई वांट टू डू होटल मैनेजमेंट। एंड आई वांट टू बी एन आईएएस। आई वांट टू बी अ बैंकर। आई वांट टू बी अ डॉक्टर। आई वांट टू बी एन इंजीनियर। माय स्कूल इज बेस्ट इन द सिटी बिकॉज इट हैज गुड फैसिलिटीज एंड द टीचर्स आर वेरी गुड। सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन ही नहीं बल्कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग, क्रिएटिव सेंस डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पेंटिंग, योगा, क्रिएटिव राइटिंग और स्पीकिंग पावर आदि सभी तरह के को क्यूरिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण विकास का प्रयास एसकेपी विद्या विहार बम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवघर में खुलेआम अवैध तरीके से जमीन की घेराबंदी की जा रही है। इस बात की शिकायत लेकर एक 70 वर्ष का बुजुर्ग एसडीएम कार्यालय पहुंचा, लेकिन वहां पर एसडीएम की मुलाकात नहीं होने के कारण उनकी बातें नहीं सुनी गई। हम आपको बता दें कि ये बुजुर्ग जनहित की बातों को लेकर एसडीएम से मुलाकात करना चाहता था। उनके मुताबिक जलसार के पास कुछ भू माफिया सरकारी गोचर जमीन की जबरदस्ती घेराबंदी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उक्त जमीन पर कई बार निर्माण कार्य करने की कोशिश की गई, लेकिन एसडीएम की ओर से मना कर दिया गया था। जमीन है, गोचर जमीन है, महाराजा की दौड़ की जमीन थी, वो जमीन ऐसे ही सरकार उसको कब्जा में किया। इससे पहले बहुत लोग उसमें मकान बनाए, लेकिन सरकार उसको ध्वस्त कर दिया, अलग करके और कब्जा में था। आज ये कहाँ से आया जो पूरा गचनी कर रहा है, अभी माल ट्रक भरा ईटा गिरा करके अभी जाना
मजदूर लगाए हुए। एसडीओ साहब से मुलाकात हुई क्या? एसडीओ साहब से आए मुलाकात नहीं हुई है, हमने एस्टोनो को एक कॉपी दे दिया, रिसीव करा ली है। झारखंड अधिवत परिषद राज्य के सौजन्य से देवघर जिला के अंतर्गत सभी नवनियुक्त स्नातक शिक्षकों का मैट्रिक परीक्षा को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला कॉलेज में किया गया, जहां जैक के द्वारा सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें ट्रेन किया गया। आरडीडी राजकुमार प्रसाद ने बताया कि जैक की हुई परीक्षा में मेरिट के हिसाब से अंक देंगे और बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद करेंगे। परीक्षकों के लिए तैयारी मीटिंग चल रही है। झारखंड अधिवित परिषद की सोच है कि जो हमारे यहाँ नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हीं को ट्रेंड करके या उन्हीं को कार्यान्वित करके हम मूल्यांकन का बेहतर स्वरूप कायम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी नवनियुक्त ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की मुलाकात हुई थी और उसी क्रम में मुझे भी आना पड़ा, महेश सिंह बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उनको भी आना पड़ा। और अभी एकेडमी काउंसिल का ये आयोजन है, एकेडमी काउंसिल की तरफ से ये दिया जा रहा है और उद्देश्य यही है कि उनको बारीकी से बताया जाए कि मूल्यांकन कैसे होता है, ताकि जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ इनजस्टिस नहीं हो। परीक्षार्थी ने जो मेरिट लिया है, जो लिखा है, उनको उस मेरिट के हिसाब से नंबर मिले, यही उद्देश्य है। और झारखंड अधिवित परिषद इसी उद्देश्य के कारण ये हर जिलों में घूम घूम करके लोग कार्यशाला आयोजन कर रहे हैं और नए नियुक्त शिक्षक जो हुए हैं उनको ट्रेंड कर रहे हैं। देवघर में गुड्डा लोकसभा के प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर सैकड़ों की संख्या में महिला संगठनों को एक सूत्र में पिरो दिया, यानी भाजपा किचन की सरकार के रास्ते गुड्डा में अपनी जीत तय करने में लगा है। निशिकांत दुबे ने कहा भी कि किसी भी पार्टी के पास महिलाओं की इतनी बड़ी फौज नहीं है। महिलाओं के लिए सरकार ने एक रुपये में रजिस्ट्री, उज्ज्वला योजना और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई ऐसी योजनाएं बनाई है जिसमें महिलाएं स्वावलंबी बने। ऐसे में अब समय आ गया कि महिलाएं भी चुनाव में अपनी हिस्सेदारी बनाएं और फिर से मोदी सरकार को लाएं, क्योंकि देश में जो माहौल है इससे कहा जा सकता है कि देश में आंधी नहीं बल्कि मोदी नाम की सुनामी आ गई है। एक ऐसा वोट है जिसको समर्थन मिल गया, जिसको प्यार मिल गया, आप समझिए उसकी विजय हो गई। महिलाएं जो है किसी राजनीति से प्रभावित नहीं होती और महिलाएं एक ऐसी रिजिड होती है कि यदि उन्होंने मन बना लिया कि ये मुझे करना है तो उसको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। और माननीय मोदी जी की यही एक ताकत है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो महिलाओं के लिए किया, महिलाओं को ध्यान में रख कर किया, गांव गरीब किसान और महिला जो है उनके टारगेट में जो रहा। और उसका असर आप समझिए कि मैंने 2014 का भी चुनाव लड़ा, आज 2019 आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि इतनी महिलाएँ आ रही हैं अपने मन से, दूर गाँवों से आ रही हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी योजना चली गई, महिलाओं तक पहुँच गई। और इस चुनाव में जो मैं कह रहा हूँ खासकर मेरे लोकसभा में और पूरे देश भर में जो सुनामी चल रही है माननीय मोदी जी की, वो गोड्डा में भी लागू होगा और गोड्डा में भारतीय जनता पार्टी इतने वोटों से जीतेगी कि अन्य जो उम्मीदवार हैं उसकी जमानत जब्त। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए कांचा न्यूज के साथ। नमस्कार। गोड्डा लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव ने बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा गोड्डा लोकसभा का कल्याण करे बाबा। साइबर पुलिस के हत्थे चढ़ा दो साइबर अपराधी, दर्जनों मोबाइल के साथ कई बैंकों के पासबुक जब्त। देवघर में भू माफियाओं के आगे बेबस है लोग, गौचर जमीन की घेराबंदी पर बुजुर्ग पहुंचा एसडीएम कार्यालय। और डॉक्टर रीता ठाकुर ने लगाया रक्तदान शिविर, 8 यूनिट किया गया रक्तदान।